मध्य प्रदेश के बैतूल में जयस आदिवासी युवा शक्ति संगठन के युवाओं ने कलेक्टर मुर्दाबाद और कलेक्टर को वापस जाना होगा जैसे नारे लगाकर उग्र प्रदर्शन किया। इसके साथ ही युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी की। दरअसल सोमवार को बैतूल कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा हुआ। जय संगठन के पदाधिकारी बेरोजगारी, निजीकरण और हाथरस की घटना को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। संगठन के पदाधिकारियों ने पहले रैली निकाली। यह रैली शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। संगठन के पदाधिकारी कलेक्टर राकेश सिंह को ज्ञापन देने पर अड़े रहे। उन्होंने कलेक्ट्रेट में भी जमकर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट के बाहर होने की अधिकारियों की समझाइश के बावजूद भी संगठन के पदाधिकारी नहीं माने। वे कलेक्ट्रेट में कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए अड़े रहे। इस दौरान कलेक्टर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। जब कलेक्टर नहीं आए तो आदिवासियों ने ज्ञापन जलाकर जमकर नारेबाजी की। जी, हमने दो दिन पहले प्रशासन को, कलेक्टर महोदय जी को यहाँ सूचना अवगत करा दिए थे कि जय संगठन के नेतृत्व में सारे संगठन मिलकर हम बेरोजगारी आंदोलन कर रहे हैं और जिसके लिए हम कलेक्टर साहब को ही ज्ञापन देंगे। जिसके बावजूद भी कलेक्टर साहब यहाँ उपस्थित नहीं हुए, जिससे युवा लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित है और ज्ञापन भी जला दिया गया है। और हम कलेक्टर साहब को सूचना देने के बावजूद भी नहीं आए, ये सबसे बड़ी उनकी विडंबना है। हमने लगभग 2 घंटे तक वेट किए यहाँ पे, उसके बावजूद भी कलेक्टर साहब नहीं आए। कहीं ना कहीं हमें तो ऐसा लगता है कि हम आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है, हम बेरोजगार लोगों को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि जब भी कोई नेता आता है, किसी भी दल का हो, उसका ज्ञापन लेने कलेक्टर साहब आ जाते हैं, लेकिन आज तक हमारा ज्ञापन लेने कलेक्टर साहब यहाँ पर नहीं आए। आज हम बेरोजगारी के ऊपर ज्ञापन देने आए थे, रोजगार की जो समस्या देश में बन रही है उसके ऊपर। लेकिन बड़ी ही निंदनीय बात है कि आज जिला प्रशासन का जिला दंडाधिकारी हमारा ज्ञापन लेने यहाँ पर नहीं आया, और इस वजह से हमने उस ज्ञापन को यहीं पर जला दिया है और बिना ज्ञापन दिए हमारी जो रैली है वापस जा रही है। गौरतलब है कि हाथरस की घटना के बाद मध्य प्रदेश में एक के बाद एक दुराचार की घटनाएं सामने आई, जिसके चलते आम जनता के साथ साथ जयस संगठन में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, बैतूल।